हेलो गाइस, मैं अभी मेरे को भूख लग दी थी ना, आज हम सूप है, किसका सूप है? मैगी का सूप है। और हम ना अभी मम्मा का बना था, इसलिए आपको पिला लिए। हम ना सूप पी कर मिलते हैं। The next day. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगी और हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है चौथा नवरात्रा, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज बृहस्पति का भी है, मतलब बृहस्पति का भी व्रत ही रखूंगी मैं। ये है आदि, बस इसका टाइम होने वाला है, इसको मैंने रेडी कर दिया है और मैं इसको छोड़ के आती हूँ। पूजा वगैरह हो गई है मेरी, बस उसके बाद बाकी काम करेंगे। और आज ये प्रेस के कपड़े काफ़ी तो मैंने निपटा दिए हैं, उधर भी रखे, इधर कुछ अब मेरे ही रह गए हैं। इनके तो मैंने लगा दिए थे प्रेस वाले कपड़े, तो बस आज का थोड़ा सा तबीयत आज थोड़ी सी ठीक है, तो आज जो काम बचे हुए हैं वो निपटाएंगे हम। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आदि को छोड़ने के बाद आ गई थी और मैंने सारा काम निपटा लिया था। बाकी जो भी बचे हुए काम थे वो सारे मैंने किचन की और जो भी थी डस्टिंग वगैरह सारा काम निपटा लिया था। और ये भी चले गए थे, आज जल्दी चले गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सिया को पेन और कॉपी दे रखी थी, तो वो अपना लगी पड़ी थी। तो यहाँ पे प्रेस के कपड़े थे कुछ, तो मैंने कल लगा दिए थे, इनके बहुत ज़्यादा थे तो वो मैंने कल लगा दिए थे। और मेरी भी इनमें मैंने प्रेस इसलिए लगाई, कभी कभी लगाती हूँ मैं अपने कपड़ों में, ये इसलिए लगाई मैंने, ये डेली के पहनने वाले हैं, क्योंकि ये ना दो तीन दिन से रखे हुए थे तो ये मुस गए थे बहुत ज़्यादा, तो बस इनमें ही प्रेस लगा लूँगी तो प्रेस का काम मेरा निपट जाएगा। और ये देखिए सिया आ गई है, बस प्रेस करके। यहाँ कूलर रखा हुआ था बहुत दिनों से, तो ना इसमें स्मेल सी भी आ रही थी, पानी भरा हुआ था क्योंकि हम यूज़ तो कर नहीं रहे हैं कूलर अब, तो इसमें स्मेल भी आ रही थी और मच्छर भी इसकी वजह से शायद हो रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से तो मच्छर, क्योंकि ये चलता रहता था तब इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा था। अब जब से बंद किया है तब से 10-15 दिन से ये बंद है कूलर, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये काम करते करते मैंने सिया को नहला दिया था, बस पानी में खेल रही थी, गर्म पानी से नहला देती हूँ मैं, तो बस वो आ गई थी खुद ही निकल के, तो मैंने इसे चेंज वगैरह करके अब कूलर साफ़ कर दूँगी। और कूलर का बस मैंने पानी निकाल के अभी अंदर से वैसे साफ़ किया है, अब मैं इसे अच्छे से साफ़ करके इसे मोमटी में शाम को या कल इनसे रखवाऊँगी। और इसके ऊपर से ना कपड़ा बांध दूँगी जिससे इसके अंदर छिपकली या चूहा ना जा सके, क्योंकि इस पिछली बार इसके अंदर छिपकली चली जाती थी तो बड़ा डर लगता था, और सामान भी रखा था इसके ऊपर तो चूहे वगैरह का भी डर लगा रहता था। तो मैं सोची हूँ कि इसके ना पूरी चारों तरफ मैं कोई पुरानी चादर वगैरह बांध दूँगी। तो बस इसको साइड करके अब मैंने सारा पानी बाहर गिरा दिया था, तो पोछा वगैरह तो आज लगता नहीं है, तो बस मैं जो पानी था उसे वाइपर से सारा साफ़ कर दूँगी और बाहर की भी मेरी धुलाई हो जाएगी। बस सिया को मैंने अंदर कर रखा था, और ये प्लग यहाँ पे था जिसमें कूलर का प्लग लगाते थे, तो इसमें ना मैंने टेप लगा दिए थे आज सुबह। और टेप मैंने ऐसे लगाया कि जैसे इसको पता ना चले कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, नहीं तो ये ना उंगली डालती है। तो ये देखिए बार बार छेड़ रही थी इसे, बार बार बाहर को आ रही थी, फिर बार बार उसमें उंगली कर रही थी, तो इस वजह से मैंने इसके टेप लगा रखा था। और फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि कपड़े भी रह गए हैं, तो बस मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, और सिया भी मेरे साथ आई हुई थी। तो वीडियो में बने रहना।
कहाँ जाओगे शिव? कहाँ पे? लाओ लाओ बॉल बनाऊंगी, वो भी दो। लाओ शिया के लिए बॉल बनाऊंगी, लेके आओ उसे। सब लेके आओ, सारे लेके आओ। लाओ लाओ वो भी लेके आओ। लाओ शिव के बॉल बनाऊंगी। चलो गुड गर्ल गुड गर्ल, उठाओ लाओ। शिव ले आई, शिव को बॉल को भी लाओ वाला। जाओ वो भी लेके आओ। तो मेरा काम सारा निपट चुका है और मैं आ गई हूँ कपड़े डाल के, और बहुत थकावट भी लग गई है क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। 11:15 होने वाले हैं और अभी मेरा काम निपटा है। कपड़े भी मैं अभी डाल के आई हूँ क्योंकि मैं ना सुबह भूल गई थी, तो मैंने इनसे बाल्टी रखवा दी थी ऊपर, तो क्योंकि भारी बहुत हो रही थी बाल्टी, तो ये रख के आ गए थे। तो बस मैं अभी मुझे ध्यान आया, मैंने क्योंकि कूलर वगैरह भी हटाया है आज, क्योंकि पानी ना उसमें पानी भरा हुआ था, तो हम कूलर यूज तो कर नहीं रहे, काफी दिन हो गए, 10-15 दिन से ऊपर हो गए, और लेकिन कूलर की वजह से ना मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे। नहीं हो रहा सही ना मैं, तो मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो पता नहीं अंदर इतने दिन से थी नहीं, 2-3 दिन से मच्छर बहुत ज्यादा लगे थे, तो कूलर का यूज था नहीं, तो मैंने वो हटा दिया सारा खाली करके, अब बाहर रख दिया है, थोड़ा और साफ करके कपड़े से ढक के फिर हम उसे रख देंगे ऊपर मोमटी में, क्योंकि नीचे रख के कोई फायदा नहीं है, स्पेस ही घेरता है वो। देखो क्या आई, काऊ आई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना। और हाँ मैं मतलब कहना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरी वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं, मेरे को पता है बहुत लोग हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में बातें भी ना बनाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर्ट होता ही है, क्योंकि मतलब अगर कोई अनजान होता है ना, तो उससे तब बुरा नहीं लगता है, कोई अपना ऐसा बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सोच है हर किसी की। तो बस मैं अपनी YouTube फैमिली से यही कहना चाहूंगी कि बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना, अपना प्यार देते रहना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।